हेलो गाइस, एक दफा फिर हाजिर आपका अपना गरीब जो करंट पोकर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो और सुनाओ जी, सो क्या हाल चल रहा है? फिट हो? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गर्ल हेल्प पुअर मैन एंड इट हर चेंज हर लाइफ। तो स्टोरीज ऑफ फैक्ट एंड काइंडनेस पे है ये जो वीडियो है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और और हमारे हमारे चैनल चैनल को को भी भी जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम वालेकुम जिंदगी सलाम। में कोई नेकी करें तो उसका सिला हमें कहीं ना कहीं किसी शक्ल में जरूर मिल जाता है। सही आज बात। की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाऊंगा जो सुनकर आपको हैरत जरूर होगी। सबसे पहले तो इस वीडियो के थंबनेल की कहानी की बात करते हैं। 2014 में अमेरिका के शहर सैलम में शदीद बर्फ पड़ रही थी। रात का वक्त था। एक बूढ़ा फकीर अमेरिका के मशहूर स्टोर 7-11 में दाखिल हुआ। इस बूढ़े फकीर के पास पैसे नहीं थे। इस स्टोर में काम करने वाली एक 19 साला लड़की एवा लिंज ने इस फकीर की हालत देखते हुए इसको एक कप कॉफी निकाल कर दे दी। बूढ़ा फकीर बहुत ज्यादा खुश हो गया। ये बात इस स्टोर के मैनेजर को पता चल गई, जिसने एवालिंस को बहुत ज्यादा डांटा। यही नहीं, बल्कि एवालिंस ने इस कॉफी के पैसे भी खुद भरे और इसके बाद इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया। एवालिंस खुद एक गरीब लड़की थी और ये नौकरी इसके लिए बहुत निकालना नहीं मायने रखती बनता था जब थी। उसने दोस्तों, पैसे दे एवालिंस दिए। ने अपनी कहानी बिल्कुल सोशल मीडिया पर शेयर की। इसकी कहानी देखते ही देखते पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई। इसको हजारों लोगों ने नौकरियां ऑफर करना शुरू कर दी। नाइस। जो लड़की एक 7-11 के स्टोर में एक सेल्स वुमेन थी, उसको एक बहुत बड़ी हाउसिंग कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की जॉब मिल गई। इसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, जो ये 7-11 में सोच भी नहीं सकती थी। इस लड़की की जिंदगी तब्दील हो गई। ये लड़की काफी ज्यादा मशहूर भी हो गई। बूढ़े फकीर को बर्फीली रात में एक कप कॉफी पिलाकर इसको इसकी अच्छाई का सिला बहुत जल्द मिल गया। बिल्कुल दोस्तों, अगला हैरतअंगेज वाकया सारा बर्ग और इसकी कजन लिज मायर का है। इन दोनों की गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर पंक्चर हो गई थी। रात का वक्त था और ये लोग टायर चेंज करना भी नहीं जानते थे। उसी वक्त एक आदमी विक्टर गाइसब्रेक ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के पास रोकी। ये बूढ़ा आदमी टायर चेंज करना जानता था। इसने इनकी गाड़ी का टायर चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी ये छोटी सी अच्छाई कैसे इसके काम आने वाली थी, ये बात हैरतअंगेज है। इन दोनों औरतों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो थोड़ा सा दूर जाकर इनको विक्टर की गाड़ी सड़क के पास खड़ी हुई नजर आई। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और देखा कि विक्टर को हार्ट अटैक हुआ है। इसको सांस नहीं आ रही थी। इन औरतों में से एक औरत सारा बर्ग एक नर्स थी। जब तक एम्बुलेंस आती तब तक बहुत देर हो सकती थी। इस लड़की ने सीपीआर परफॉर्म करके वक्ती तौर पर विक्टर की सांस बहाल कर ली और फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर लिया। जिंदगी दोस्तों, बची है। सारा के बरवक्त मदद करने की छोटी सी वजह नेकी से से जिंदगी ये आदमी बच बची। गया। आप सोचें कि अगर ये आदमी इनकी गाड़ी का टायर चेंज ना करता तो इस सुनसान हाईवे पर एक नर्स इसकी मदद कैसे करती। बिल्कुल इसकी अच्छाई की वजह से इसकी जान बच गई। दोस्तों, अगली हैरतअंगेज कहानी लिज वुडवर्ड की है। ये लड़की एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और एक वेटरेस थी। 2015 में एक सुबह दो लोग इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। ये दोनों फायर फाइटर्स थे। इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। एक आदमी का नाम पॉल हलिंग्स था और एक आदमी का नाम टिम यंग था। इन दोनों ने इस रेस्टोरेंट से नाश्ता किया और अपना बिल मंगवा लिया। लेकिन यहाँ काम करने वाली वेट्रेस लिज वुडवर्ड ने इनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसने बिल की जगह एक नोट इनको थमा दिया। इस पर लिखा था कि आप लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं, ये नाश्ता मेरी तरफ से है, आप लोगों का शुक्रिया। ऐसे लोग दोस्तों, बहुत ये कम लड़की होते खुद हैं। बेहद गरीब थी। इसका बाप चल नहीं सकता था, लेकिन इसने इनके पैसे भरकर बड़े दिल का सबूत दिया। इन दोनों लोगों को इस लड़की की ये बात बहुत पसंद आई। इन दोनों ने ये कहानी फेसबुक पर शेयर कर दी। दोस्तों, देखते ही देखते ये वाकया मीडिया में मशहूर हो गया। लोगों ने इस लड़की के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कितने पैसे, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस वेट्रेस के लिए लोगों ने
$86,000 इकट्ठे कर लिए, यानी 1.5 करोड़ रुपए। ये दोनों आदमी इस लड़की के घर भी गए और इसके वालिद से भी मिले। इसके लिए एक वैन भी खरीदी गई ताकि उसमें इसके माजूर वालिद की व्हीलचेयर भी पूरी आ सके। एक छोटी सी अच्छाई करके इस लड़की की जिंदगी तब्दील हो गई। और दोस्तों, ये आखिरी कहानी भी काफी अजीब है। एक डॉक्टर जिसने एक बच्चे की जान बचाई, 30 साल के बाद उसी बच्चे ने इस डॉक्टर की जान बचा ली। ये कहानी क्रिस रॉकी और डॉक्टर माइकल शैनन की है। क्रिस जब पैदा हुआ तो इसको शदीद बुखार था, इसकी जिंदगी खतरे में थी। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर माइकल शैनन ने लगातार 2 दिन तक क्रिस का ख्याल रखा। ये डॉक्टर घर तक नहीं गया कि कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। दोस्तों, 30 साल के बाद कुछ अजीब हुआ। क्रिस रॉके वही बच्चा अब एक पैरामेडिक बन चुका था, यानी ये मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करता था, जैसे हमारे मुल्क में रेस्क्यू 1122 है। इसको इत्तला मिली कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है और एक आदमी अंदर फंसा हुआ है। क्रिस ने अपनी जान पर खेलकर इस आदमी को इस गाड़ी से बाहर निकाल लिया और इसको एम्बुलेंस में ले गया। पता ये चला कि ये दरअसल डॉक्टर माइकल शैनन है, वही डॉक्टर जिसने क्रिस की 30 साल पहले जान बचाई थी। ये कहानी काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। तो गाइस, यहाँ पे होती है वीडियो एंड। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा एक सबक मिला इस वीडियो से कि यार, अच्छा मैसेज भी था, अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा। यानी कि इंसान अगर कोई अच्छाई करता है ना, तो उसको उसकी अच्छाई का सिला जरूर मिलता है। बेशक कुछ सिले यानी कि अच्छाई का जल्दी मिल जाता है, कुछ जरा टाइम से मिलता है। अगर कुछ अच्छाई के सिले इस दुनिया में ना मिले तो वो आखिरत में जरूर मिल जाते हैं, मिल जाता है सिला। तो इसमें से वो जो एक जो पहला था जो उसने एक गरीब आदमी को कॉफी पिलाई, तो उसकी जिंदगी चेंज होगी। वही क्योंकि मैनेजर ने उसको निकाल दिया, अलग उसने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन फिर भी उसने निकाल दिया, लेकिन उसकी एक जिंदगी तब्दील होनी थी। उसको एक अच्छाई का सिला, अच्छा सिला मिलना था, इसलिए उसको एक अच्छी जगह पे उसको मैनेजर मिल गया। लेकिन मैनेजर ने गलत किया था, एक अगर उसने पैसे पे कर दिए हैं तो उसे निकालना नहीं चाहिए था, क्यों जोकर? वही अगर ना भी पे करती यार पैसे, लेकिन उसका निकालना क्या बनता है? किसी गरीब की मदद कर देना कोई जुर्म नहीं है। और वो भी अच्छी थी स्टोरी के, एक वो एक सुनसान जगह पे उसने सिर्फ एक हेल्प की है, एक टाई चेंज किया सिर्फ, तो उसे हार्ट अटैक आया। अगर वो उसकी हेल्प ना करता तो वो उधर ही खड़ी रहनी थी गाड़ी, ठीक है। तो वो आगे जाकर उसको हार्ट अटैक आया हुआ था, वो ना आगे आ सकती थी नर्स, क्योंकि उसका तो टायर पंचर था। बिल्कुल, वो तो वो आ गया, ये नर्स उसने अच्छाई की है उसका, तो उसकी अच्छाई का सिला देखो कैसे मिला है। उसने सिर्फ टायर चेंज किया लेकिन उसको उसकी जिंदगी बच गई है, उसको वो मौत की तरफ जा रहा था लेकिन उसको जिंदगी दे दिया नर्स ने। बेशक, और लास्ट वाली जो एंड वाली वीडियो थी उसमें वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। पॉकेट जो सब वो आती है फायर ब्रिगेड वाले लोग आते हैं, जो उनसे दो वो खाना खाते हैं, लेकिन वो बिल की जगह पे उनको एक नोट बहुत अच्छा नोट लिख के देती है कि यार वाकई ये लोग हमारी जिंदगी की हिफाजत करती हैं, ऐसे लोगों को खिला देना चाहिए यार, उनसे पैसे क्यों लेने हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें कि जब भी कोई मुसीबत में होती है तो सबसे पहले फ्रंट में वो ही आगे मतलब लोगों की मदद करते हैं। और साथ लास्ट में जो था एक वीडियो, वो तो वो भी बड़े मजे की थी कि 30 साल पहले कितना यार अच्छा सीन था कि वो एक अच्छाई का सिला उसको 30 साल के बाद मिला यार। बिल्कुल, वो 2 दिन गाड़ने गया सिर्फ ये बच्चा मर ना जाए, और 30 साल के बाद जब वो फंसा हुआ था गाड़ी में था, तो उसी बच्चे ने देख लो अपनी जान बचाई का, उसको अच्छाई का यानी के बदला दे दिया वापस। हाँ, तो मतलब कि अच्छे जो अच्छाई जो है वो दुनिया में आपको अच्छा सिला मिल जाता है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। बाय बाय।